गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 चल रहा हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हम। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो 360000 किलोमीटर है। द डायमीटर ऑफ मून सबस्टैंड एन एंगल, जो इसका डायमीटर है मून का वो सबस्टैंड करता है एंगल 31 मिनट। ये एक घंटा लगा हुआ है आप पर, एक डैश लगा हुआ, इसका मतलब है मिनट। एट द आईज ऑन द ऑन ए पर्सन ऑन द अर्थ, अर्थ पर जो पर्सन है उसकी आईज पर ये एंगल बनाता है 31 मिनट का। फाइंड द डायमीटर ऑफ मून, हमें मून का डायमीटर निकालना है। तो इसमें जो एंगल लगाएंगे अपना, जो हम फॉर्मूल लगाएंगे, वो फॉर्मूल लगाना है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो हमें ये सो इसमें क्वेश्चन में पढ़ के ये पता करना है कौन सी आर्क है, कौन सी रेडियस है। एंगल तो साफ दिखाई दे रहा 31 मिनट, तो एंगल ए और बी 31 मिनट। मिनट के बनाने अगर डिग्री, तो हम 60 से डिवाइड करते हैं, ये बन गया डिग्री। डिग्री के बनाने रेडियन, तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतने रेडियन का एंगल आ गया। अब इसके बाद में ए बी डायमीटर है, ये ए बी डायमीटर है किसका, मून का। तो ये जो है ये मून है, ये तो इस मून का डायमीटर दे रखा कितना हमारा ए बी। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, तो ये डिस्टेंस होगी इसकी यहां से अर्थ से और मून के बीच की। अर्थ तो यहां है ना, और मून यो है, तो ये है अर्थ, क्योंकि व्यक्ति तो जो पर्सन है वो अर्थ पे है और ये मून है, तो आई तो उसकी अर्थ पे होगी। अर्थ का एंगल बना हुआ है कितना 31 डिग्री का, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी इतनी है। तो एंगल तो हमें रेडियन में निकालना था, वो हमने निकालने तैयार था, वो लिख दिया आर्क। आर्क जो या आर्क है वाली, ये लगभग डायमीटर के बराबर हो गए, जब बड़ा बड़े डायमीटर की वैल्यू ले जाओगे तो ये आर्क लगभग बराबर है इस चीज को मानते हुए ए बी के। तो हमने यहाँ पे आर्क को ए बी आर्क लिख दिया, ए बी आर्क, और यहाँ है ये आपका रेडियस, रेडियस इसी पता है। तो हम लिखेंगे इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसको 31 upon 60 ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी 31 into 5 equal to 22 upon 7 दिया 6 into 18 AB upon ये आ गया इसको सोल्व करके AB की वैल्यू ये आ गई आपकी 3247.62 किलोमीटर। तो ये AB जो आया है, AB आर का ही यानी डायमीटर ऑफ मून आ गई। फाइंड द डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू इतने। तो देखने में इस फार्मूले से ऐसा लगता है जैसे कि ये ए बी आर्क है, तो ए बी आर्क क्या है, तो ये लगभग इसके बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो ये इस क्वेश्चन में लगभग इसको माना गया, क्योंकि जब बड़ा डायमीटर है तो वो जो आर्क है वो लगभग ऐसी है कि फ्लैट बिल्कुल डायमीटर के पास में हो जाएगी, क्योंकि वो काफी बड़ा आपका मून का डायमीटर है। तो इस बेस पर इसको मानते हुए इस क्वेश्चन को निकाला गया। इससे आगे क्वेश्चन आपके साथ में कल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।